बोकारो विधानसभा से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अक्षय रंजन अत्री को क्रम संख्या 2 पर वोट देकर यूथ पावर को मजबूत करे। चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी अपने विधानसभा क्षेत्र के आम जनों की समस्याओं की सीधी सुनवाई और समस्याओं के सीधे समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार दिन को चास प्रखंड कार्यालय में आवंटित कार्यालय में खुद उपस्थित रहते हैं। इस बार मंगलवार को उपस्थित नहीं हो पाने की वजह से चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी आज चास प्रखंड कार्यालय में बैठे, जहां उनके समक्ष गुलाब चक्रवात से पीड़ित आमजन बड़ी संख्या में फरियाद लेकर पहुंचे। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने खुद एक एक कर सभी फरियादियों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना और उनके पत्रों को सीधे संबंधित अधिकारियों को देते हुए क्विक एक्शन लेने का निर्देश अधिकारियों को दिया। चंदन क्यारी विधायक के समक्ष गुलाब चक्रवात की वजह से क्षतिग्रस्त घरों से जुड़ा मामला, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, अंचल कार्यालय संबंधी समस्याएं पहुंची, जिसे विधायक अमर कुमार बावरी ने खुद अधिकारियों को देने का काम किया। विधायक अमर कुमार बावरी की इस साप्ताहिक बैठक में भाजपा जिला महामंत्री जयदेव राय, जिला मंत्री गौर रजवार, भाजपा कुरा मंडल अध्यक्ष पंचानन महतो, युवा नेता भानु प्रताप सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे, तो वही चास प्रखंड BDO मिथिलेश चौधरी, अंचल अधिकारी दिलीप कुमार, अंचल निरीक्षक और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। वर्ग के तहत हम लोग सप्ताह के एक दिन ब्लॉक का बैठक करते हैं और प्रयास करते हैं कि ब्लॉक की जो समस्या है उसको समाधान किया जाए। आज इस अवसर पर विशेष रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि कोविड का बहुत खतरनाक दौर से हम लोग लड़ाई लड़के आगे बढ़े हैं और आज लगभग 95 करोड़ लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन लगा करके नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व में कोविड वॉरियर के रूप में एक सर्वमान्य नेता भी है। 2 देशज टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में आविष्कार करके लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा UN महासभा, यूनाइटेड नेशंस जो अपना हमारा जो UN का महासभा है उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि भाई वो भारतीय कोविशील्ड के दोनों वैक्सीन लगाए। 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों के इस देश में कोविड से लड़ाई के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प और उनका दिशा और उनका मार्गदर्शन ही रहा है जिससे आगे जीते हैं। दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के पूरे देश में तराईमाम रहा। मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया था कि भाई कोविड के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की जान गई है झारखंड में। सरकार ने उत्तर दिया कि एक भी व्यक्ति का जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गया है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यही सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे आज सत्ताधारी के लोग थे जिन्होंने हल्ला बहुत जोर किया था कि भाई ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही है और नरेंद्र भाई मोदी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी ने इसी चीज को ध्यान में रख के पूरे देश के अंदर 1500 एक साथ 1500 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराना प्रारंभ किया और आज पूरे देश में वो नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का शुभ उद्घाटन 1:30 माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे देश में होना था। हम लोगों को भी खबर आई कल, लेकिन आज राज्य की सरकार चास के अंदर 2 अपना ऑक्सीजन प्लांट और चंदन क्यारी के अंदर 1 ऑक्सीजन प्लांट, राज्य की सरकार आनन फानन में हेमंत सोरेन ने जो मुख्यमंत्री है झारखंड के इस योजना का एक प्रोपगंडा करके 12 बजे शिलान्यास से उद्घाटन का कार्यक्रम होता है। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करता है और यहाँ इतने आंख में पानी होना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम आप अपना फोटो लगा करके उसका उद्घाटन करके क्षेत्र की जनता और जो संघीय व्यवस्था है अपने प्रधानमंत्री को नहीं मान रहे हैं। आप इस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको नहीं मान रहे हैं। आप अपने प्रधानमंत्री जी को आप दरकिनार करके पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक के रूप में हमको भी निमंत्रण दिया, लेकिन हम इस बात का विरोध करते हैं और निंदा करते हैं राज्य सरकार का और जो भाई मुख्यमंत्री जी ने जो यह काम किया है बहुत ही निंदनीय है।
इससे ज्यादा और निंदाजनक कुछ हो ही नहीं सकता है। आप काम कुछ किए नहीं कोविड के अंदर, ना 2 रुपये का चावल किसी को दिया, ना कहीं पे किसी को जाकर के टीका करवाया। टीका भी हो रहा है, मोदी जी भी फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसको ठीक से लगवा भी नहीं रहे हैं। जहाँ अफरा तफरी हो रही है, लोगों का जान तक जाने का नौबत आ रहा है। उल्टे आज ऑक्सीजन प्लांट भी आया, मोदी जी 1:30 बजे करने वाले हैं, आप 12 बजे करके उसका उद्घाटन करके आप सत्ता जो है उसका अपना एक दिखा करके कर रहे हैं। ऐसा पूरे लोकतंत्र के अंदर पूरे भारत देश में कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जो आज ये कर रहे हैं। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोकारो जिला चंदनगढ़ी और एक विधायक के नाते हम सब इसका प्रतिष्ठा करते हैं, निंदा करते हैं, और इस संकीर्ण मानसिकता का, इससे तुच्छ मानसिकता का शासक आज देश झारखंड के अंदर शासन में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर उनकी आंखों में थोड़ा भी शर्म का पानी ऐसे तो नहीं बचा है, थोड़ा भी यदि लज्जा है तो दूसरे के काम पर अपना पीठ थपथपाना, आज 2 साल के अंदर चाहे वो पावर का सबग्रिड का उद्घाटन करके जो पीठ थपथपा रहा है, उनके मन से यार पूछ लीजिए। आप लोग भी जानते ही हैं सारा कुछ, सारा किया हुआ पिछले सरकार का है। इस सरकार से एक भी काम नहीं हुआ है। ये निकम्मा सरकार है, नालायक सरकार है, ये ठगहर सरकार है, ये लोगों को लूटने वाली सरकार है, बेरोजगारों का हक लूटने वाली सरकार है, सहायक पुलिसकर्मियों को रोड पर लाने वाली सरकार है, बेरोजगार युवाओं को छलावा करने वाली सरकार है, और ऐसे जो यहाँ के आम नागरिक कोरोना में पीड़ित है, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए तो कुछ नहीं, एक अपना यश लेने के लिए दूसरे के किए काम, प्रधानमंत्री जी के काम को अपना काम बता करके बेचने वाली सरकार है। ऐसे सरकार की हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसके लिए जितने भी कटु शब्द हो सकते हैं उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इनकी घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद।